नशा किसी भी प्रकार का हो, ये समाज को खोखला कर देता है। संपन्न परिवार उजड़ जाते हैं। ऐसे में समाज को खोखला होने से बचाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। करसोग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का नशे के खिलाफ चला अभियान राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुट्टी तथा संस्कृत महाविद्यालय में पहुँचा। यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर सरला देवी ने कहा कि विद्यार्थी किसी भी सशक्त राष्ट्र का भविष्य होते हैं तथा उनका मार्गदर्शन सही तरीके से हो, इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की बनती है। यही वजह है कि नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया है ताकि युवा शक्ति को बचाया जा सके। राष्ट्र का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों में आजकल जिस तरह से नशाखोरी बढ़ रही है, उससे उनके अंदर की नैतिकता भी लुप्त हो जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारा छोटा सा राज्य हिमाचल भी नशे की चपेट में आ चुका है। छोटे बच्चों को भी चिट्टा, चरस, अफीम जैसे घटिया नशे की लत लगाई जा रही है। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के प्रयास में महिला मंडल सनाली की महिलाओं ने ग्राम पंचायत सनाली के स्कूलों व संस्कृत कॉलेज में जाकर छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया व नशे से दूर रहने का आग्रह किया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल पेश करते हैं दावा रामला मिस हिमाचल 2019 इन एसोसिएशन विद मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। 18 से 25 साल की अविवाहित हिमाचली युवतियों के लिए फैशन और ग्लैमर की दुनिया में चमकने का सुनहरा मौका। यहां पे आपकी जिंदगी बदलने वाली है। पूरे हिमाचल में ऑडिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ें आपका पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल या फिर विजिट करें मिस हिमाचल का फेसबुक पेज या फिर कॉल कर सकते हैं 9625111411 या फिर 9318049227।